हेलो गाइस, आज मैं उत्तर प्रदेश की एक परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश की बड़ी परियोजना है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। रिहंदवाद परियोजना, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर स्थापित की गई है। यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई है। इस बांध की लंबाई 934.21 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई है 91.44 मीटर। इस रिहंद बांध के पीछे एक जलाशय बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 466 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका आयतन है 10,608 लाख घन मीटर। इसमें 4 सुरंगें बनाई गई हैं ताकि इसकी सफाई की जा सके तथा इसमें 13 फाटक लगाए गए हैं इसलिए कि जलाशय में जो बाढ़ का पानी इकट्ठा होता है उसको निकाला जा सके, बांध किया जा सके। इस बांध को इसलिए बनाया गया है ताकि रिहंद नदी के प्रवाह को कम किया जा सके तथा अगल बगल के क्षेत्रों के मिट्टी के कटाव को कम किया जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत ओबरा नामक स्थान पर 300 मेगावाट का जल विद्युत शक्ति गृह स्थापित किया गया है जिसका प्रयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उद्योग धंधों में सस्ती मात्रा में बिजली की प्राप्ति हो जाती है। इस जल विद्युत शक्ति का प्रयोग मुगलसराय से पटना के बीच चलने वाले रेलगाड़ियों में भी किया जाता है। इस रिहंद बांध के पीछे एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ सागर जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है।